थर्ड ईयर। देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है जो कि यूनिट 5th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगी आज क्लास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए मैंने यूनिट कम्प्लीट करवा दी है, मेरी तरफ से एक चैप्टर आपका इसका बायो इनऑर्गेनिक कम्प्लीट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कोई समझ में ही नहीं आता कि इस यूनिट में से या इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीरियड्स के हैं। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जो कि पीरियड
जरूरी नहीं कि दोनों चीजें कुछ चीजें
बारे में ही पूछ ले, और ये वाला जो टॉपिक है सोडियम पोटेशियम वाला वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नोट करें। इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ के ऐसे सुना देती हूँ। जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की क्या भूमिका है। इंग्लिश में व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्य प्रणाली देखी, तो कार्य प्रणाली में हमको अपना फंक्शनिंग बतानी है और भूमिका की अगर बात की जाए, ठीक है, कि क्या उसका रोल है। तो रोल यही है कि जब सोडियम की मात्रा, अगर सोडियम पोटेशियम पंप के लिए कहे, अगर सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो उसको रोकने का काम करता है पोटेशियम, पोटेशियम स्थानांतरित कर रहा है सोडियम को। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप लिखना तो वही बेटर है, बस एक पूछने का तरीका अलग हो गया। एक में आपसे वर्किंग प्रोसेस पूछ लिया गया है जिसे आप कह रहे हैं फंक्शनिंग, और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद, अब देखिए मेटलोपोरफिरिन जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संरचना
क्यों होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो स्थायी संरचना है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन हो सकता है। इस वजह से इसे मैग्मा कॉन्फिनेंट को एक स्थायी संरचना कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है। इसके अलावा इसके अगर उपयोग की बात करें यूजेस की, तो मैंने आपको बताया था कि धातु पोर्फायरिट या मैग्मा पोर्फायरिट की जो संरचना है वो एक कह सकते हैं क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो एक बेसिक संरचना होती है वो है, ठीक है, जो बेसिस होता है सभी तीनों चारों संरचनाओं का, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, वो धातु पोर्फायरिन ही होता है। उस धातु पोर्फायरिन के आगे के और नए समूह जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। जो कि है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे, मैंने आपको कहा था हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या उसका एक कह सकते हैं कार्य है, क्या फंक्शनिंग है उसके बारे में पूछा जा सकता है। सर बताया था कि हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट कराना और मायोग्लोबिन का काम है संरक्षित करना या फिर स्टोर करने का, ठीक है, तो ये इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की क्या संरचना होती है, जैसे कि हमने हमें पता है कि हीम संरचना होती है, केंद्रीय संरचना हीम संरचना होती है जिसके चारों ओर कौन से समूह जुड़े हुए हैं वो निर्धारित कर रहा है कि हीमोग्लोबिन है या फिर मायोग्लोबिन है, ठीक है, तो ये है अंतर दोनों संरचनाओं में। केंद्र में हीम संरचना तो है ही, बस अंतर आता है कि चारों तरफ कौन कौन से जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्वेश्चन तो इस तरह से बन गया। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन को क्यों ट्रांसफर करता है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो मतलब हायर प्रेशर वाली जो कंडीशन होती है, उच्च दाब वाली जो कंडीशन होती है, वहाँ पर तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की दोनों की बिल्डिंग पावर या बिल्डिंग कैपेबिलिटी समान होती है, एक जैसी होती है। लेकिन अगर दाब निम्न हो जाता है या लोअर प्रेशर वाली कंडीशन आ जाती है तब यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। अलग ये होगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बांधे रखने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन को वो अब आगे छोड़ देगा और मायोग्लोबिन को दे देता है, ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसको भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले देखिए फंक्शनिंग की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। मायोग्लोबिन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो गया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे, और अगला
बनाइए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन इसमें बन जाएगा हीमोग्लोबिन बायोग्लोबिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन यानी लंग से टिश्यूज तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस जो मैंने आपको लिखवाया था उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर PF3 का इनहेलेशन हो जाता है, या फिर उसको हिंदी में कहें तो उसको अगर शरीर के अंदर ले लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और PF3, ठीक है, तो वो किस तरह से पॉइजनस इफेक्ट रखते हैं उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। दो क्वेश्चन वहां बन रहे हैं।
में चली जाती है, हम इसको अंदर ले लेते हैं। तो ये दोनों हीम जो समूह है हीमोग्लोबिन का, उसके साथ जुड़ जाती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ये समूह जुड़ जाते हैं तो आगे हीमोग्लोबिन के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को आगे परिवहन उसका कर सके, यानी ऑक्सीजन को वो अपने साथ जोड़ ही नहीं पाता, बिंद ही नहीं कर पाता है, उसके साथ बंध नहीं बना पाता है। जब ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा हीमोग्लोबिन तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक कह सकते हैं कि विषैला प्रभाव दर्शा रहा है, एक पॉइजनस इफेक्ट दर्शा रहा है, ये दोनों के दोनों अणु या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लास्ट केस में इसमें यही होता है कि जब बहुत ज्यादा इलिमिनेशन हो जाता है, सारी की सारी जो हीमोग्लोबिन है इन अणुओं के साथ बंध बना लेते हैं, तो अंत में जाके कंडीशन ये आती है कि उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कह दिया गया है कि एक पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में, उसके बारे में लिखवा देते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों से उत्तकों तक फोटो के परिवहन को समझाइए। ये वाले जो क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको चार लास्ट क्वेश्चन करवाए हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है इस चैप्टर से, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और इसमें पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल लेवल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एफओ का क्या उपयोग है इस
नाइट्रोजन फिक्सेशन अभिक्रिया पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रोजनेस पे। नाइट्रोजनेस क्या होता है और उसका एक्टिव सेंटर क्या है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ 4-5 क्वेश्चन आते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है इसमें। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पर एक लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे शॉर्ट नोट लिखवाया जा सकता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जैविक प्रक्रिया में एमओ की भूमिका का वर्णन कीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड में ही एमओ का यूज होता है, जबकि इंडस्ट्रियल मेथड में तो हमने बाकी जो कंपाउंड्स है उसको कैसे बनाया गया था वो चीज देखी थी, उसमें मैथमेटिक्स नहीं आया था।
बेंडिंग कर्व मैंने आपको बनवा कर दिया था, उस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो और नोट कर लें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देती हूँ उसके बारे में। बता दिए हैं, अब उम्मीद करती हूँ कि कम से कम आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना टॉपिक प्रिपेयर रखना है, और ये वाला जो चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर है यूनिट 5 से, उसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कम्प्लीट हो गए हैं।